वेलकम टू LMTI ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। मेरा नाम है गिरीश शिंदे और आज हम बात करने जा रहे हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में चार इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस और इवापरेटर। अब हम एक एक करके देखेंगे इन चारों पार्ट का फंक्शन क्या है। शुरुआत करते हैं कंप्रेसर से। कंप्रेसर के दो फंक्शन होते हैं, पहला रेफ्रिजरेंट का फ्लो क्रिएट करना, दूसरा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना। अब हम देखेंगे कि कंप्रेसर एक काम कैसे करता है। एक काम करने के लिए कंप्रेसर में क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, सिलेंडर बोर, सक्शन वॉल, डिस्चार्ज वॉल, वॉल प्लेट और सिलेंडर हेड जैसे पार्ट होते हैं। जब एक क्रैंकशाफ्ट घूमता है तब पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आता है, जिसको हम बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक, और इस सक्शन स्ट्रोक में सिलेंडर बोर में वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने से इवापरेटर में जो लो प्रेशर, लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है वो सक्शन वॉल को नीचे की ओर धकल के सिलेंडर बोर में एंटर करता है। जब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, और इस कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में रेफ्रिजरेंट कॉम्प्रेस होता है। रेफ्रिजरेंट जब कॉम्प्रेस होता है तो उसका प्रेशर बढ़ता है और इस प्रेशर के वजह से सक्शन वॉल बंद होके डिस्चार्ज वॉल खुल जाता है और रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज हो जाता है, और इस तरीके से कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। अब हम बात करेंगे कंडेंसर की। कंडेंसर के दो फंक्शन होते हैं, पहला रेफ्रिजरेंट की गर्मी को बाहर निकालना और दूसरा वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कराना। अब हम देखेंगे एक काम कंडेंसर कैसे करता है। कंप्रेसर से आने वाला हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आ जाता है। कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बाहर के वातावरण के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, जिसके कारण कंडेंसर अपनी गर्मी को बाहर निकालता है, क्योंकि जो गर्मी है या जो हीट है इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यहाँ पे कंडेंसर का टेम्परेचर बाहर के सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा होने के कारण कंडेंसर अपनी गर्मी को बाहर निकालना शुरू करता है और धीरे धीरे और वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है और कंडेंसर के एंड में वो पूरी तरीके से लिक्विड हो चुका होता है। आप डायग्राम में साफ देख सकते हो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को हमने डार्क रेड कलर से इंडिकेट किया है, बाद में रेफ्रिजरेंट का कलर पिंक हो गया है, मतलब रेफ्रिजरेंट यहाँ पे थोड़ा ठंडा हो गया है, और लास्ट में आप देख सकते हो कि रेफ्रिजरेंट पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, जिसको हमने येलो कलर से बताया हुआ है। आगे लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाता है ड्रायर में। इस ड्रायर के दो फंक्शन होते हैं, फर्स्ट रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करना और सेकेंड रेफ्रिजरेंट में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। ड्रायर में रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करने के लिए फिल्टर्स लगे होते हैं। रेफ्रिजरेंट जब फिल्टर में से पास होता है तो उसमें का कचरा अलग हो जाता है। उसके बाद ये रेफ्रिजरेंट जाता है सिलिका जेल में से। सिलिका जेल की प्रॉपर्टी होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और इस तरीके से पूरी तरीके से साफ और मॉइस्चर फ्री रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ता है एक्सपांशन डिवाइस में। एक्सपांशन डिवाइस का काम है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करना। रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करने के लिए एक्सपांशन डिवाइस में एक छोटा सा छेद होता है। रेफ्रिजरेंट जब उस छेद में से पास होता है तो उसको रिस्ट्रिक्शन ऑफर होता है, रेजिस्टेंस ऑफर होता है, जिसके वजह से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हो जाता है और लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट आगे जाता है इवापरेटर में। इवापरेटर के दो फंक्शन होते हैं, पहला बाहर की गर्मी को एब्जॉर्ब करना और दूसरा लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर में कन्वर्ट करना। इवापरेटर में आने वाला रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है। यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम होने के कारण बाहर की गर्मी इवापरेटर कॉइल में चली जाती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं इवापरेटर कॉइल बाहर की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से बाहर कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। जब बाहर की गर्मी इवापरेटर का रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करता है तो रेफ्रिजरेंट उबलने लगता है और उबल के लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट फिर से कंप्रेसर में आ जाते हैं और इस तरीके से ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूस चलती रहती है और इसी को हम कहते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब हमें देखना है कि ये जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है
इसका एप्लीकेशन क्या है। तो जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं, फिर वो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर हो, डबल डोर रेफ्रिजरेटर हो, या फिर विंडो एयर कंडीशनर, स्प्लिट एयर कंडीशनर, पैकेज एयर कंडीशनर, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, वाटर कूलर, बॉटल कूलर, विजिबल कूलर, डीप फ्रीजर, आइस कैंडी प्लांट, कोल्ड स्टोरेज प्लांट, इन सारे मशीन्स में वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल इस्तेमाल होती है या इसी प्रिंसिपल पे ये सारी मशीन्स काम करती है, और इसके लिए इस साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हम जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।